नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच रहे। तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम की पहली रात बेचैनी से गुजरी, रात भर बदलते रहे करवट। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है, जहां वह 19 सितंबर तक रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम की पहली रात बेचैनी से गुजरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रात भर ठीक से सो नहीं पाए। रात में चिदंबरम ने आम कैदियों की तरह रोटी दाल खाई और जमीन पर सोए। सुबह कैदियों के उठने के समय पर ही वो उठ गए और किसी आम कैदी की तरह ही उन्हें चाय नाश्ता दिया गया। चिदंबरम को जेल नंबर 7 के वार्ड नंबर 2 में सेल नंबर 15 में रखा गया है। उन्हें एक अलग कोठरी और पश्चिमी शैली के एक शौचालय के अलावा कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रचेगा भारत। 7 सितंबर रात 1:55 पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान 2। 7 सितंबर सुबह 1:55 पर चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा। उसी के साथ भारत एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के उतरने का सीधा नजारा देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 हाईस्कूल विद्यार्थियों के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो केंद्र में मौजूद रहेंगे। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया कि अब तक चांद पर भेजे गए मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग से चांद केवल 37% ही सफल हुआ है। हालांकि बावजूद इसके कि पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि यह मिशन सफल होगा। दरअसल वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में हमेशा यह एक रूल रहा है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट में पास होने के 1% भी चांस होता है तो उसको अंजाम दिया जाता है। अनगिनत सपनों को लेकर के चंद्रमा पर गए चंद्रयान 2 के पृथ्वी की प्रगति उपग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने के साथ ही रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा और चंद्रमा के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। कश्मीर पर बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर तैनात किए 2000 सैनिक। अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के 30 किलोमीटर अंदर पर एक जगह पर लगभग 2000 सैनिकों को तैनात किया है, यह जानकारी भारतीय सेना के सूत्र ने दी है। जानकारी के मुताबिक पीओके में जवान को बाघ और कोटली सेक्टर में देखा गया है। वहीं पीओके में हो रही बड़ी हलचल से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जवानों को तैनात करने संबंधित यह गतिविधि भारत के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान का एक रचनात्मक कदम हो सकता है। स्थानीय इनपुट सहित विभिन्न खुफिया स्रोतों के माध्यम से जवानों की तैनाती और स्थान की पुष्टि की गई है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के आंदोलन पर बोले नीतीश कुमार, आपके लाभ के लिए जो संभव होगा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजित शिक्षकों के आंदोलन करने पर कहा है कि मेरे खिलाफ जितने नारे लगाना है लगा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अगर कोई विरोध भी मेरे लिए करता है तो मेरे उसके प्रति कोई मन में तकलीफ नहीं होगी। लोकतंत्र में तो सबको आजादी होती है। हम आलोचनाओं की चिंता नहीं करते, अपना काम करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षक स्थायी करने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। आज से महंगा हो गया है मदर डेयरी का दूध। 1 लीटर के लिए देने होंगे इतने रुपए। अग्रणी दूध सप्लायर मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस बार कंपनी की तरफ से गाय के दूध की कीमत में इजाफा किया गया है। बदलाव के बाद गाय का दूध 2 रुपए बढ़कर के 44 रुपए प्रति लीटर हो गया है और यह केवल दिल्ली NCR में ही लागू होगा। आधा लीटर दूध के लिए ग्राहकों को 23 रुपए देने होंगे। दूध की कीमतों में की गई वृद्धि शुक्रवार से लागू हो जाएगी। कीमत में इजाफा होने के पीछे कंपनी का कहना है कि वह किसानों से कच्चा दूध खरीदने के लिए अधिक भुगतान कर रही है, इस कारण गाय के दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। फिलहाल कंपनी ने अन्य किसी दूध के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है। दिल्ली के चांदनी चौक से आप विधायक अलका लांबा का पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकती है शामिल। दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया है। अलका लांबा ने यह ट्वीट करके यह जानकारी दी है। अलका लांबा कुछ समय से पार्टी से नाराज चल रही थी। कांग्रेस में जाने की खबरों के बीच अलका लांबा ने 4 सितंबर को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी, कहा आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करने में नहीं हिचकेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा है कि भारत अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेगा। उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी भी आक्रामक नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी रक्षा न करे। उन्होंने आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वालों, उन्हें धन और ढांचागत सुविधा मुहैया कराने वालों के खिलाफ कठोर वैश्विक कार्रवाई करने की मांग की है। राजनाथ सिंह ने सियोल रक्षा वार्ता में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत का इतिहास देखें तो वह कभी भी हमलावर नहीं रहा है और न कभी होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खुद को बचाने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने से हिचकेगा। परिस्थितियों को देखते हुए भारत परमाणु हथियार के पहले प्रयोग नहीं करने के दशकों पुराने अपनी नीति को बदलने पर विचार कर सकता है।
जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी पर आजम खान को कोर्ट का समन। 11 सितंबर को पेश होने का आदेश। पिछले करीबन 2 महीने से आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को जहां गुरुवार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, वहीं अब कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान को घर के बाहर समन चिपका दिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह समन चुनाव के दौरान जया प्रदा पर अभद्र बोलने से सपा सांसद को जारी किया गया है। सीजीएम कोर्ट ने यह समन जारी किया है। यह समन अंडर ट्रायल मामलों के लिए जारी किया गया है। थाना स्वर ने पुलिस के सपा सांसद के घर पर यह समन चिपका दिया है।